मजहब तब्दीली मामले में 14 दिनों की जुडिशल कस्टडी में भेजे गए दोनों मुलजमीन, गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने दोनों मुलजमीन को कोर्ट में किया पेश। एटीएस ने दोनों मुलजमीन की मांगे रिमांड, पुलिस रिमांड पर आज कोर्ट में होगी समाप्त। मजहब तब्दीली केस की पुलिस ने तेज की जांच, नोएडा के सेक्टर 117 में डेफ सोसाइटी के स्कूल में खंगाले दस्तावेज। यूपी में नोएडा की डीप सोसाइटी के 117 बच्चों को कराई गई मजहब तब्दीली, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मजहब तब्दीली मामले में रामपुर के शाहबाद से भी जुड़े तार, यूपी के चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने मौके पर जाकर बेवा खातून की मजहब तब्दीली कराने के इल्जाम पर ली जानकारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी एटीएस को दी मुबारकबाद, कहा जो लोग गलत तरीके से लोगों की मजहब तब्दीली करा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मजहब तब्दीली मामले पर बोले आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्ला खान, अकलितों और दलितों पर जुल्म कर रही है बीजेपी, हमारे आईनी हुकूक पर हो रहे हमले। गाजियाबाद वायरल वीडियो कांड में फ्यूचर इंडिया के एमडी को नया नोटिस, 24 जून को लोनी थाने में हाजिर होने का हुक्म। 2024 के लिए अभी से तीसरा महाज बनाने की कवायद शुरू, शरद पवार ने आज दिल्ली में बुलाई अपोजिशन जमातों के लीडरान की बैठक। सियासी बिसात पर शरद पवार की बड़ी चाल, कांग्रेस छोड़कर बाकी अपोजिशन जमातों के संग आज दिल्ली में करेंगे बैठक। बैठक में फारूक अब्दुल्ला, यशवंत सिंह समेत कई लीडरान होंगे शामिल, समाज के मुख्तलिफ तबकों के इज्जत माफ शख्सियात को बैठक में शामिल होने का न्योता। शरद पवार के घर होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर, कहा मुझे नहीं लगता कि कोई तीसरा या चौथा महाज बीजेपी को कामयाबी के साथ चैलेंज कर सकता है। इससे पहले प्रशांत किशोर से मिले एनसीपी लीडर शरद पवार, इसी महीने दोनों की दो बार हो चुकी है मुलाकात। पार्टी में मचे घमासान के बीच सोनिया गांधी ने 24 जून को बुलाई अहम बैठक, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, रियासती इंचार्ज और रियासती सदर होंगे शामिल। बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों पर तहरीक की का लेआउट बनाया जाएगा, मुल्क के मौजूदा सियासी हालात पर भी होगी चर्चा। श्रीनगर में आज फारूक अब्दुल्ला के घर गुपकार अलायंस की अहम बैठक, दिल्ली में बुलाई गई कुल जमाती बैठक में जाने को लेकर लिया जाएगा फैसला। जम्मू में आज बीजेपी के बड़े लीडरान की मीटिंग, गुपकार अलायंस के खिलाफ जवाबी हिकमत अमली को लेकर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर मामलात के कांग्रेस कोर ग्रुप की भी आज अहम बैठक, 24 जून को बुलाई गई कुल जमाती बैठक को लेकर पार्टी का रुख तय किया जाएगा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच चल रहा तनाजा आज हो सकता है खत्म, सीएम अमरिंदर आज कांग्रेस की कमेटी से करेंगे मुलाकात। जराये के मुताबिक राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में सुलह कराने की पहल की, कैप्टन अमरिंदर की सोनिया या राहुल गांधी से भी हो सकती है मुलाकात। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने फिर की जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की मांग, का जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट का हिस्सा नहीं। मगरबी बंगाल तशद्दुद की जांच के लिए NHRC ने कमेटी की तश्कील, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बनाई कमेटी। अनिल देशमुख मामले में सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा महाराष्ट्र सरकार जांच में नहीं कर रही है ताबुन, 100 करोड़ के मुबैना वसूली मामले की सीबीआई कर रही है जांच। पंजाब दौरे पर गए अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा पंजाब में सिख को ही सीएम मोदी का चेहरा बनाएगी आम आदमी पार्टी। हरियाणा के सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का किसानों ने की मुखालफत, दुष्यंत चौटाला ने कहा मुखालफत करने वाले किसान नहीं सियासी जमातों के लोग। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट होगा जारी, रिजल्ट से एतराज करने वाले तलबा ऑनलाइन कर सकेंगे
अप्लाई। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले इटली के खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान, योगी सरकार खिलाड़ियों को देगी 10-10 लाख रुपए, गोल्ड मेडल जीतने पर मिलेंगे 6 करोड़। इमरान खान ने फिर दी जौहरी हथियारों की धमकी, कहा न्यूक्लियर हथियार हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं, पड़ोसी हमसे 7 गुना बड़ा, इसलिए डर कुदरती। इमरान ने कहा कश्मीर मसला हल हो जाए तो इसकी जरूरत नहीं, मार्का चाहता तो कश्मीर मसला हल हो जाता लेकिन ऐसा नहीं। पाक पीएम इमरान का ख्वातीन पर शर्मनाक बयान, एक इंटरव्यू में कहा ख्वातीन छोटे कपड़े पहनेंगी तो इसका असर मर्दों पर होगा ही अगर वो रोबोट ना। मुल्क में कोरोना से जंग के बीच यौम योग पर बना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, एक दिन में 85 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई गई वैक्सीन, 16 लाख टीके लगाकर एमपी पहले नंबर पर। योगा डे पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही हमारा सबसे बड़ा हथियार। मध्य प्रदेश के दतिया से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया वैक्सीनेशन के अजीम मुहिम का आगाज, लोगों से भरम फैलाने वालों से बचने की अपील। बिहार में अनलॉक 3 का ऐलान, 100% मुलाजमीन के साथ खुलेंगे सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस, मॉल क्लब और जिम पर अब भी पाबंदी। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 213 नए मामले आए सामने, 748 लोगों ने दी कोरोना को मात, 98.5% हुआ रिकवरी रेट। केरल में घर घर जाकर वैक्सीनेशन की शानदार मुहिम, राजधानी तिरुवनंतपुरम में तिब्बी अलकारों ने लोगों को लगाई वैक्सीन। वाराणसी में करीब 2 महीने बाद एक बार फिर गंगा दर्शन के लिए निकला क्रूज, सभी क्रूज मुलाजमीन को लगाई जा चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। इस साल भी कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा हुई रद्द, हिमलिंग के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे अखिलतमंद। बीजेपी नेशनल महामंत्री बीएल संतोष के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन, पीर की शाम सीएम रिहायशगाह पर कोर कमेटी की हुई बैठक, सरकार और तंजीम के काम पर हुआ गौर और कुक होगी भगोड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार के मुलाक, लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में अर्जी मंजूर। यूपी के बाराबंकी में मोहब्बत की शादी करने से नाराज घरवालों ने लड़की को दी तालिबानी सजा, पहले बेरहमी से पीटा फिर मुंडवाए सर, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आगरा में दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मचाया हड़दंग, लाठी डंडों से लैस दबंगों का वीडियो वायरल। पीलीभीत में एक बहादुर खातून ने लुटेरों को उड़ाए होश, दिव्यांग नौजवान से रुपए छीनकर भाग रहे लुटेरों को खातून ने धर दबोच। मथुरा में पद्मश्री गौ सेविका सुदेवी दासी को मिली जान से मारने की धमकी, जर्मनी की रहने वाली सुदेवी को गौशाली की जमीन खाली कराने की धमकी, 20 साल से राधा कुंड में रहकर कर रही हैं गायों की सेवा। बरेली में अहल्या ने शौहर के अरमानों पर फिरा पानी, अहल्या को तलाक दिए बिना कर रहा था दूसरी शादी, शादी में पुलिस लेकर पहुंची अहल्या। अमेठी में 65 साल की उम्र शख्स ने दोबारा अहल्या संग लिए साथ फेरे, शादी में दोनों के नाती पोते भी हुए शामिल। झांसी में मोबाइल की दुकान में लाखों के सामान की चोरी, पूरा वाकया दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस पलटी, बिहार के दरभंगा से दिल्ली जा रही थी बस, कई मुसाफिर जख्मी। कानपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस पलटी, हादसे में बच्चों समेत कई मुसाफिर हुए जख्मी, हादसे के बाद ड्राइवर कंडक्टर हुए फरार। बिहार की राजधानी पटना में खुलेआम तमंचे पर डिस्को, नौबतपुर में शादी तकरीब के दौरान कुछ नौजवान पिस्टल और कट्टे से फायरिंग करते दिखे। महाराष्ट्र के नागपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मुश्तबा मौत पर फैली सनसनी, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।
छत्तीसगढ़ में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। रायपुर में बैलगाड़ी से दफ्तर पहुंचे मेयर एजाज धीबर, बोले पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से गाड़ी चलाना मुश्किल। सीएम भूपेश बघेल ने बीजापुर को दी 379 करोड़ की सौगात, तरक्याती कामों का किया वर्चुअल नकाब कुशाई। बिलासपुर में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में हुए राशन घोटाले की जांच शुरू, बदनवाने के इल्जाम में सरपंच, सेक्रेटरी और दुकानदार पर गिर सकती है गाज। राजस्थान के भीलवाड़ा में नौजवान को छेड़खानी पड़ी भारी, देहियों ने मंचली की जमकर की पिटाई। राजस्थान के धौलपुर में बेखौफ बजरी माफिया, नाकाबंदी के दौरान पुलिस पर की फायरिंग, एनकाउंटर में एक बदमाश को दबोचा, बाकी भागने में हुए कामयाब। राजस्थान के उदयपुर में हथियारों की नुमाइश का वीडियो वायरल, तमंचे और धारदार हथियार के साथ बदमाशों ने किया डांस, तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में दबंगों ने 8 लोगों को पेड़ से बांधकर पीटा, मछली चोरी के इल्जाम में लाठी डंडों से। पंजाब में मानसा के कबाड़ कारोबारी ने इंडियन एयरफोर्स से खरीदे 6 हेलीकॉप्टर ट्रॉलों में लाद कर लाए गए मानसा, लोगों में फोटो खिंचवाने की मची हुई। राजस्थान के कोटा में दो फरीक के बीच खूनी जद्दोजहद, झड़प के दौरान एक दूसरे पर चलाए चाकू। ग्रेटर नोएडा में किराए के लिए एक मकान मालिक ने किराएदार जोड़े को घर में बनाया यरगमाल, पुलिस ने ताला तोड़कर यरगमाल परिवार को किया आजाद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मामूली तनाजुम, नौजवान ने अपने अहलिया को उतारा मौत के घाट, मुलजिम शौर ने धारदार हथियार से अहलिया के चेहरे और गर्दन पर किए कई बार। यूपी के बागपत में मॉकड्रिल में फेल हुई खातून दारोगा, एडीजी जोर मेरठ के सामने नहीं लौट कर पाई पिस्टल, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। यूपी के आगरा में एक कमरे के लिए भाई भाई में हुआ तनाजा, पुलिस के सामने खवातीन के साथ जमकर हुई मारपीट। यूपी के शाहजहांपुर पुलिस ने करोड़ों की स्मैक के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार, स्मैक तस्करों के नेटवर्क का इंकशाफ करने में जुटी पुलिस। राजस्थान के बाड़मेर में बदमाशों की दहशत, जमीन पर गैर कानूनी कब्जे की मुखालफत करने पर बुजुर्ग खातून के साथ की मारपीट। राजस्थान के धौलपुर में डॉक्टर के घर से 5 फीट लंबा सांप निकलने से अटकम, कड़ी मशक्कत के बाद महकमा जंगलात की टीम ने सांप को पकड़ा। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, पानी में तैरती नजर आई गाड़ियां, लोगों को उठानी पड़ी परेशानी। कच्चे तेल की कीमतों में आएगा उबाल, अगले साल तक $100 फी बैरल हो सकती है कीमत, 2023 में घटेंगी कीमत। महंगे पेट्रोल डीजल का तोड़ निकालने पर गौर, फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर गौर कर रही सरकार, 60 से 62 रुपए फी लीटर ईंधन में चलेगा। एलपीजी ग्राहकों को जल्द मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटर बदलने की सहूलत, नहीं देनी होगी कोई फीस, ऑनलाइन होगा सारा अमल। 2016 से 2020 तक तेजी से बढ़ा रिटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए रिटेल सेगमेंट होगा ग्रोथ का इंजन, 10 सालों में दिखेगा दम। अगले कुछ महीनों में परवाज भरने की तैयारी में जेट एयरवेज, स्लॉट के लिए सरकार से बातचीत जारी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के चौथे दिन का खेल बारिश के सबब पूरी तरह धुला, आज भी अगर बारिश हुई तो रिजर्व डे में मैच कराया जाना तय। ईशान ने कपिल देव का तोड़ा रिकॉर्ड, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इंडियन बॉलर बने, गैर मुल्की पिच पर 200 विकेट भी पूरे। नाजरीन की मौजूदगी में होंगे टोक्यो ओलंपिक, 10,000 नाजरीन की होगी एंट्री, चीयर नहीं कर सकेंगे फैंस, मुकाबले के बाद सीधे जाना होगा घर। टोक्यो ओलंपिक में पहली ट्रांसजेंडर लॉरेन हार्बर्ट को न्यूजीलैंड की खातून वेटलिफ्टिंग टीम में शामिल किया गया, 2013 तक मर्द कैटेगरी में लेते थे हिस्सा। नए लुक में दिखे भारत के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, शिमला में मना रहे छुट्टियां, अहल्या साक्षी बेटी जीवा के साथ तस्वीर वायरल। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने पंजाबी गाने पर किया लिप सिंक, इंस्टाग्राम पर शेयर किया नया वीडियो। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का डांस वीडियो वायरल, बारिश पंजाना पर थिरकती नजर आई मोनालिसा।
जानवी कपूर ने हाथ में संदल पकड़कर दोस्तों संग किया डांस, वायरल हुआ भाई वीडियो। बॉलीवुड की बेहतरीन सिंगर लता मंगेशकर का यंग जनरेशन को टिप्स का, अपनी खुद की आवाज खोजें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की। बीजेपी के एमपी ने लोकसभा स्पीकर से की मांग, शादी के बारे में झूठ बोलने पर लिया जाए नुसरत के खिलाफ एक्शन। मरका की ज्यूडिशियल महकमे ने कैपिटल हिल्स पर हमले का जारी किया वीडियो, इसमें मुजाहरीन इमारत के गलियारे को ब्लॉक करके पुलिस एहलकारों से हाथापाई करते दिख रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की बढ़ाई गई इलेक्ट्रिक सलाहियत, खलाई मुसाफरी ने स्पेस वॉक करते हुए स्पेस सेंटर में लगाया सोलर पैनल। यूरोपीय मुल्क बेल्जियम में तूफान से भारी तबाही, बेल्जियम टाउन में करीब 10 से ज्यादा लोग शदीद तौर पर जख्मी, 100 से ज्यादा घर उजड़े। मार्केट के अलबामा में भी तूफान से भारी तबाही, भारी बारिश के बीच हाईवे पर दर्जनों गाड़ी की टक्कर, 9 लड़कियों समेत 10 की मौके पर ही मौत। तुर्की के इज़मिर में नन्हे हाथी की आमद, तीसरे फीमेल हाथी की पैदाइश पर चिड़ियाघर इंतजामिया में खुशी, देखने के लिए सयाहों की लगी भीड़। इथियोपिया में कौमी और सूबाई असेंबली के डाले जा रहे वोट, मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। ऑस्ट्रेलिया के साबिक नायब वजीर आजम बरनाबी जॉयस बनी नेशनल पार्टी के नए सदर, आज हुई वोटिंग में मौजूदा सदर माइकल मैकॉर्मैक ने दी शिकस्त। हांगकांग से शाया होने वाले अखबार एप्पल डेली पर बंद होने का खतरा, कौमी सलामती एक्ट के तहत हांगकांग हुकूमत ने अखबार का माली असासा किया मुंजमद। अमेरिका के खसूसी सफीर सू किम ने शुमाली कोरिया के साथ जल्द मुजाकरात शुरू होने की जाहिर की उम्मीद। पोप फ्रांसिस ने की म्यांमार की फौजी क़यादत से अपील, मजहबी मकामात की हिफाजत और बेघर हुए लोगों तक आलमी इमदाद की रसाई को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। मार्क के अलबामा में सड़क हादसे में 9 मासूम बच्चे हुए जां बहक, आंधी और तूफान के सबब हुआ हादसा, हादसे में 9 माह की बच्ची और उसके वालिद भी हुए जां बहक। 15 माह बाद स्पेन के कटालूलिया सूबे में खुले नाइट क्लब, 3:30 बजे रात तक खुल सकते हैं बार्सिलोना और दीगर मकामात पर नाइट क्लब। रूस में कोविड की ताज़ा लहर, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17,611 नए मामले आए सामने। कोपा अमेरिका कप में आज अर्जेंटीना और पैराग्वे की टीमें होंगी आमने सामने।